दीपिका पादुकोण के एक सपोर्ट ने मचाया बवाल। बता दें कि कल दीपिका दिल्ली जा पहुंची थी जेएनयू प्रोटेस्ट के सपोर्ट में, जहां कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इतना ही नहीं, लोगों ने बैन छपाक और बैन दीपिका के नारे भी लगाए। 10 जनवरी को फिल्म रिलीज होने जा रही है, देखना ये होगा कि क्या सच में ये फिल्म होती है बैन या नहीं। KGF चैप्टर 2 के मेकर्स ने इस मूवी का न्यू लुक रिवील किया। बता दे कि यश के 34th बर्थडे पर उनके फैंस को मिला ये बड़ा सरप्राइज। बर्थडे के मौके पर बड़ा सेलिब्रेशन भी हुआ, डालिए एक नजर। दीपिका के तारीफ में बोल पड़ी कंगना रनौत। आखिर क्या कहना है कंगना का, आइए देखते हैं। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। हाल ही में मैंने फिल्म छपाक का ट्रेलर देखा और मुझे वो ट्रेलर देखने के बाद अपनी बहन रंगोली के साथ हुए हादसे की, जो उनके साथ एसिड अटैक हुआ था, उसकी सारी यादें ताज़ा हो गई। अपने और अपने परिवार के खातिर मेरी बहन रंगोली की हिम्मत मुझे हर मुश्किल हालात से पंगा लेने को प्रेरित करती है। उसकी मुस्कुराहट ही मुझे हर दर्द से पंगा लेने की वजह देती है। आज मैं और मेरा परिवार मेघना गुलजार और दीपिका को धन्यवाद करता है कि उन्होंने इस मुद्दे पर फिल्म बनाई, ताकि इससे जूझ रहे उन जाबाज हौसलों को हिम्मत मिले जो अपनी जिंदगी से हार मान बैठे हैं। इस फिल्म से उन दरिंदों के मुंह पर तमाचा पड़ा है जो अपनी हरकत में तो कामयाब हो गए पर अपने इरादों में नहीं। जिस चेहरे को बिगाड़ कर उन्होंने किसी की हिम्मत को तोड़ दिया था, आज इस फिल्म से वो हर चेहरा खिल उठेगा और जीत जाएगी उनकी जज्बों की खूबसूरती। आशा करती हूँ इस नववर्ष में तेजाब की बिक्री पर पंगा हो, ताकि ये देश एसिड अटैक फ्री हो सके। जेएनयू प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने दिल्ली पहुंची दीपिका पादुकोण, डालिए एक नजर। कंगना रनौत ने पुणे में किया फिल्म पंगा का सॉन्ग लॉन्च। पुणे का फेमस कॉलेज MIT के स्टूडेंट्स के बीचों बीच हुआ बड़ा लॉन्च, देखिए एक नजर। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर अपनी आने वाली फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D के प्रमोशन के लिए जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं, देखिए इस वीडियो को। वॉशिंग पाउडर निर्मा से मुसीबत में पड़ गए अक्षय कुमार, मराठा समाज का फूटा गुस्सा। ट्विटर पर एक ने लिखा, ये घटिया एड देखने के बाद मैं निर्मा के प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करूंगा। अक्षय को मराठा वॉरियर्स का मजाक उड़ाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। दूसरे एक यूजर ने अक्षय से सवाल करते हुए पूछा, #boycottNirma, प्रो हिंदू मराठा वॉरियर्स का इस तरह मजाक उड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। क्या अक्षय की हिम्मत है कि वो ब्रिटिशर्स और मुगल आक्रमणकारियों पर ऐसा मजाक करे। दीपिका को बैन किए जाने की मांग के बाद दीपिका के सपोर्ट में आ पहुंची सोनाक्षी सिन्हा। सोना ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट करते हुए लिखा, नो मैटर विच पॉलिटिकल पार्टी यू सपोर्ट, डू यू सपोर्ट वायलेंस, डोंट विजुअल्स ऑफ ब्लीडिंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स शेक यू अप, वी कांट सिट ऑन द फेंस एनी लॉन्गर, कूडोज टू दीपिका पादुकोण फॉर शोइंग अप एंड ऑल दोज हु स्पोक फॉर स्पीकिंग अप, दिस इज नॉट द टाइम टू स्टे क्वाइट। स्ट्रीट डांसर 3D एक्टर्स वरुण धवन और नोरा फतेही को उनके फैंस ने पूरी तरह से घेर लिया। दोनों को भी एयरपोर्ट पर किया गया था स्पॉट। कंगना रनौत के मराठी ने किया पूरे पुणे को दीवाना, देखिए आखिर क्या कहना है कंगना का। कुछ मला ये तो मराठी, क्या बात है, हम
हम इसी में ही बहुत खुश हैं कि आपने ये कोशिश की, बट हाउ डज इट फील टू बी हियर? वेल, आई थिंक पूना के साथ हमारा बहुत डीप कनेक्शन है. मैंने फिल्म मनी करने का जो है पूरा पूना या महाराष्ट्र उसका पूरा हिस्ट्री हमने बहुत रिसर्च किया है. शंकर सर एंड हम लोगों ने उस पर भी कई सालों तक काम किया है. सो फॉर मी इट्स नॉट समथिंग वेरी न्यू. आई नो द कल्चर एंड आई बीन इन महाराष्ट्र नाउ फॉर मोर देन 10 ईयर्स. तो मैं एक्चुअली खुद को अब महाराष्ट्र नहीं समझती हूँ.